शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शहर के बेसहारा और जरूरतमंदों को सिर्फ उम्र से बड़े लोग ही सहायता नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे कम उम्र के छोटे बच्चे भी पीछे नहीं है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं जूना पार्डी परिसर में भंडारा रोड के उन बच्चों की, जिन बच्चों ने अब तक के अपने हाथों से हजारों की तादाद में गरीब बच्चों के लिए खाना बनाया और उसका वितरण किया। आइए डालते हैं एक नज़र। जूना पार्टी भंडारा रोड के पूर्वा ऑटोमोबाइल्स मित्र परिवार की ओर से परिसर में रहने वाले छोटे बच्चों द्वारा भूखे गरीब और जरूरतमंदों को खाना बनाकर उसका वितरण किया जा रहा है। पिछले दो माह से ये काम ये बच्चे निरंतर कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते भूखे गरीब और बेसहारा ऐसे लोगों की सेवा करना ही देश की सेवा मानते हैं। यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस कहावत को चरितार्थ किया है भंडारा रोड के उस नौजवान साथियों ने, उस बहादुर बच्चों ने जिन्होंने आज ऐसे कई जरूरतमंद बेसहारा लोगों को खाना बांटा है। और अपने पापा के पदचिन्हों पर चलते हुए इन्होंने जो सामाजिक कार्य जो किया है वो अपने आप में एक है। और ये तमाम युवा साथी हमारे साथ जुड़ चुके, आइए उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं वे आज इतने सारे लोगों को खाना उन्होंने खिलाया। मैम आप बताएं क्या कहना चाहोगे आप इस पूरे खाना प्रोग्राम को लेकर। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इतने महामारी में अगर हम सबका साथ दें और हेल्प करें सबकी तो बहुत बेस्ट होगा। और घर में रहिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बस इतना ही। ये कोरोना की महामारी के वक्त जब पूरी दुनिया लड़ रही है तब पूर्वा ऑटोमोबाइल्स और मित्र परिवार उन्हें खाना बांटकर भोजन देकर उनकी लड़ने में सहायता कर रहे हैं और हमें इस बात की बहुत खुशी है। इस समय जब लोगों के पास खाना नहीं है, उनके पास एसेंशियल्स नहीं है, उस समय पे हम सब ट्राई कर रहे हैं कि सबको सब कुछ अच्छे से मिले, आराम से मिले, सब सुख रहे, सब अच्छे से रहे। जी मेरे पापा और उनके दोस्त जो खाना बांट रहे हैं उनके ऊपर मुझे बहुत गर्व है। धन्यवाद। हम महावीर स्वामी के पद पर चलते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि भूखे को खाना मिले और कोई भूखा पेट ना सोए। इस महामारी से लड़ने के लिए मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हर दो घंटे में हाथ धोइए और अपने मुंह पे मास्क रखिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और मुझे इस बात पे बहुत गर्व है कि हम लोगों को खाना बांट पा रहे हैं। थैंक यू। बोले सो निहाल, जो बोले सोनिया, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, ऐसे कई यहाँ पे घोषणाएं दी गई है। और ये जो जयकारा है ये उस परमात्मा के लिए था और उसी परमात्मा के जो अंश है, जो लोगों में जो है, उन लोगों को खाना खिलाने के लिए परमात्मा के ये बंदे उन लोगों के कामकाज आ रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। आप ये छोटी सी नन्ही सी गुड़िया, इस प्यारी सी बच्ची को देख सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें है। ये सुबह 7 से लेकर रात 7 बजे तक हर घर घर जाके अपने उम्र के बच्चों को यह स्वयं अपने हाथों से वो पैकेट देती है। जब वो पैकेट देती है तो इसके चेहरे पे एक मुस्कान होती है और वो जो मुस्कान है वो परमात्मा की ही मुस्कान कहा जाता है। भंडारा रोड से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।